इसराइल और हमास युद्ध के बाद से इसराइल और ईरान के रिश्तों की कड़वाहट में जहर घुल गया है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले को आमादा हैं। बीते दिनों हमास के राजनीतिक प्रमुख की राजधानी तेहरान में हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है। ईरान अपने ही देश में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी की हत्या से भड़का हुआ है। ईरान ने इसराइल को कसूरवार ठहराते हुए बड़े हमले की धमकी दे डाली है। ऐसे में इसराइल और ईरान के बीच किसी भी वक्त खतरनाक युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। दावा है कि ईरान ने इसराइल पर हमले की अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। इसराइल के साथ जंगी हालातों के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने F-14 टॉम कैट पायलट जनरल अजीज नसीर जादेह को ईरान का रक्षा मंत्री बनाया है। यह पहली बार है जब कोई वायुसेना अधिकारी ईरान के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करेगा, जो ईरान की रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। नसीर जादे की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब पूरा मिडिल ईस्ट तनाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने पदभार संभालते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं, तो वहीं अपने दुश्मन देशों खास तौर से इसराइल को तल्ख लहजे में कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। नसीर जादे ने रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद अपनी महत्वाकांक्षी रक्षा और हथियारों की इच्छा सूची के बारे में बताया है, जिसका मकसद सभी सेवाओं को बढ़ावा देना है। इसमें जंप जेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारी विध्वंसक और सैटेलाइट ताकतों पर खास तौर से जोर देने की बात कही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक नसीर जादे ने एरोस्पेस, नौसेना, मिसाइल और एयर डिफेंस के विस्तार समेत ईरान के डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ईरानी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें ईरानी रक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के माध्यम से भारी बहुमिशन विध्वंसक के विकास का सुझाव दिया है। साथ ही हाई स्पीड जहाजों के प्रोडक्शन पर जोर देने की बात कही, ताकि क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया जा सके। ईरान की सीमाओं के बाहर देश के रक्षा निर्यात को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही मिसाइल सेक्टर को विकसित करने के लिए उन्होंने सशस्त्र बलों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुपात में अलग अलग रेंज में सुधार की बात कही। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की बैलिस्टिक क्रूज और एयर डिफेंस मिसाइलों को बनाने की देश की क्षमता में सुधार का सुझाव दिया। वहीं सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में ईरानी रक्षा मंत्री ने 20 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने की उम्मीद जताई है। मालूम हो कि ईरान को स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस साल की शुरुआत में ये अभियान तब सफल हुआ जब इसने 4 सैटेलाइट लॉन्च किए। द फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के वरिष्ठ साथी ने ब्रेकिंग डिफेंस को बताया कि नासिर जादे के लक्ष्य काफी ऊंचे हैं, यहाँ तक कि बढ़ चढ़कर किए गए दावों जैसे हैं। मगर इस्लामी गणराज्य के रक्षा उद्योग में जो देखा और सुना गया है, उसके साथ सही और फिट भी बैठते हैं। जंप जेट का विकास, जिसके बारे में बताया जाता है कि ऐसा जेट जो रनवे के बिना ही उड़ान भर सकता है और उतर सकता है, जिस पर कई मतभेद हो सकते हैं। तेहरान के पास जंप जेट बनाने की कोई तकनीक नहीं है। साथ ही ये भी साफ नहीं है कि ईरान पश्चिमी देशों के लेटेस्ट जेट वर्जन को कैसे हासिल करेगा। एक अन्य एक्सपर्ट ने बताया कि जंप जेट को लेकर रूस ही इकलौता देश है जो ईरान की मुश्किलों को दूर कर सकता है, मगर रूस फिलहाल जंप जेट बनाने वाले देशों में सबसे पीछे है। बता दें कि मौजूदा ईरानी रक्षा मंत्री नसीर जादे साल 2018 से 2021 में ईरान की वायुसेना के चीफ भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालते ही अपने दुश्मनों को सख्त संदेश दे दिया है कि ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनेई का हवाला देते हुए जोर दिया कि ईरान अपनी रक्षा के लिए सैन्य ताकतों को मजबूत करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। ईरान अपने सशस्त्र बलों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में प्रतिबंधों के बीच घरेलू प्रयासों पर भरोसा कर रहा है।